दोस्तों, क्या आपने कर ली है अपकमिंग फेस्टिवल्स के और वेडिंग सीजन के लिए कुछ इयररिंग्स की शॉपिंग? मैंने तो कर ली है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो दोस्तों, ये मेरी पर्सनल शॉपिंग है और मुझे यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा और बहुत रीजनेबल लगा और बहुत ही डिजाइनर है। इवन जो मुझे अपनी लोकल मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हुए हैं आज तक डिजाइन, वो मुझे यहाँ से मिल रहे थे, तो मैंने परचेजिंग करी है कुछ। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं सिर्फ यहाँ पे इयररिंग्स और कुछ ही एक ही चोकर जो मैंने पहना हुआ है उसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज माई पर्सनल शॉपिंग एंड पर्सनल रिव्यू। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू, हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इयररिंग्स के पीसेस और ये चोकर जो मैंने राइट नाउ वियर करा हुआ है इसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कहाँ से परचेज करा है। तो नंबर वन पीस है दोस्तों ये चोकर, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा चोकर है और इसके साथ ये क्यूट से इयररिंग है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। इसे आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये था मेरा दोस्तों फर्स्ट पीस जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पीस। आप देख सकते हैं ब्रास में है और ये है हमारा स्टोन, ये रियल स्टोन है। और ऐसे इयररिंग्स मेरे ख्याल से शायद ही आपने अपनी लोकल मार्केट में देखे हो, बिकॉज मैंने तो नहीं देखे थे। तो ये मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही डिजाइनर और स्मार्ट लुक देने वाले हैं, और वेस्टर्न के साथ तो ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। एक बार मैं ऑलरेडी कैरी कर चुकी हूँ, इसके पिक मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी आपको। मैंने इसको फ्रेंडशिप डे के सेलिब्रेशन पे, वो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा था, वहां पे मैंने वियर करे थे। तो आइए मैं आपको इसको वियर करके दिखाती हूँ। सो दोस्तों देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, कितने ही स्मार्ट लग रहे हैं, और देखने में लग रहा होगा बहुत हैवी है, बड़े से हैं, लेकिन इनमें वेट नहीं है, बिकॉज ब्रास के हैं तो इसलिए इनमें वेट नहीं है। और ब्रास की जो ज्वेलरी होती है वो हमारे कानों को भी लाइक नुकसान, हमारी स्किन को भी लाइक नुकसान नहीं देती है। तो ये देखिए, ये एक पीस मैंने यहां से लिया है, ये मेरा है वेस्टर्न पीस। आइए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा लाइक फिरोजी सा कलर, इवन मेरी ड्रेस से भी मैच कर रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा ब्रास का, अगेन यहाँ पे रियल स्टोन्स है, इसका इयररिंग है और ये साइड में यहाँ पे बहुत ही प्यारे से दो क्यूट से बर्ड बने हुए हैं। तो ये मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। अगेन दिस इज वेरी लाइट वेट, देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है तो बहुत हैवी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए, देखिए कितना ही स्मार्ट लग रहा है, और इसको हम अगर छुपा ले, खाली हम ये पहन ले तो इट्स यू आर गुड टू गो, कुछ भी और कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कम्प्लीट लुक दे रहा है। और जिसमें स्टोन का कलर है वो बहुत ही प्यारा सा लाइक कुछ खिलता हुआ है, लाइक डल नहीं है। तो ये था मेरा नेक्स्ट पीस, आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। सो दोस्तों, एक ये बहुत ही प्यारे इयररिंग है, ये ब्रास का यहाँ पे वर्क है और यहाँ पे ये बरूक स्टोन है। बरूक स्टोन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, पहले मुझे भी नहीं पता था। जब दो स्टोन आपस में, दो या तीन स्टोन मिलके अलग सा लाइक कुछ क्रिएट करते हैं कोई शेप, उसको हम बरूक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बरूक का स्टोन लगा हुआ है, दिस इज, इसे हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। और डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, ये फेदर टाइप लुक दे रहा है, तो मैं इसको आपको वियर करके दिखाती हूँ। ये इगा, तो ये देखिए, ये मैंने वियर कर लिया है और इसका लुक ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बाल हटा के दिखाती हूँ। देखिए कितना ही स्मार्ट लग रहा है, अगेन हम इसको छुपा लेते हैं, खाली हम इसको पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन ये कुर्तीज वगैरह के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, साड़ीज के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये है मेरा नेक्स्ट पीस। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा पीस दिखाने वाली हूँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट और सबको बहुत ही पसंद आया था, और गणेश चतुर्थी तो निकल चुकी है, उसकी मैंने लुक तो क्रिएट नहीं करी थी, मुझे कहीं जाना था तो वहां मैंने पहना था, लेकिन अब दिवाली वगैरह आ रही है तो उसमें आप ये इयररिंग कैरी कर सकते हैं, तो जरूर जरूर परचेज करिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारे प्यारे से गणपति जी और ऊपर बना हुआ है हमारा त्रिशूल। देखिए कितना ही खूबसूरत पीस है, अगेन ज्यादा वेट नहीं है, ब्रास में है। मैं इसको आपको वियर करके दिखाती हूँ, और अभी मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले इसको वियर करा था, सबको इतना पसंद आया, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतना डिफरेंट डिजाइनिंग था जो मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ। ये देखिए
ये देखिए दोस्तों कितना ही प्यारा इयररिंग है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ही खूबसूरत है। और इस जब मैंने ये वियर करा था तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, सबको बहुत पसंद आया था, इवन मुझे भी बहुत पसंद आया था। और इवन ये जो है हमारी फेस्टिव वाइब्स है, दिवाली वगैरह पे भी आप लाइक गणपति वाले हैं इस तरह के इयररिंग्स को वियर कर सकते हैं। तो यही कुछ पीसेस आज मुझे आपके साथ शेयर करने थे, आई होप आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पे कि मैंने ये कहाँ से परचेज करे हैं। दोस्तों फेसबुक पे एक पेज है द एम्पायर ऑफ ज्वेल्स के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी इनकी आईडी द एम्पायर ऑफ ज्वेल्स के नाम से है। आप चाहें तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, इनका कलेक्शन देख सकते हैं, इनकी वे ऑफ डीलिंग देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है फेक पेज नहीं है, सीओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गिफ्ट्स आपको हर पार्सल में मिलते हैं, और कई बार तो इतने सारे एक एक पार्सल में हमारे को तीन तीन चार चार गिफ्ट्स रिसीव हो जाते हैं। वो उनकी स्कीम्स होती है, वो जब आप लाइव देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। और साथ में मिलती है बहुत ही यम्मीज टॉफीज जो टोकन ऑफ लव होता है, और हर पार्सल में आपको एक शॉपिंग गिफ्ट और टॉफीज चॉकलेट्स हो मैंडेटरी मिलेंगी। उसके अलावा जैसे स्कीम्स होती है जिस तरह से हम पेमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें और सारे गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, और सारे गिफ्ट्स भी आपके यूज करने लायक होते हैं। ऐसा नहीं गिफ्ट है गिफ्ट के नाम के कुछ गिफ्ट के नाम पे लाइक कुछ भी दे दिया हो बेकार सा जो हमारे यूज ना हो, नहीं, चाहे वो इतनी सी चीजों लेकिन बहुत वर्थी होती है, यूजफुल होती है। इवन हमारी जो कलेक्शन परचेजिंग के साथ साथ जो गिफ्ट्स आते हैं वो भी हमारे यूज में आराम से आ जाते हैं, और मैं भी उन्हें अक्सर यूज करती हूँ सारे ही गिफ्ट्स को। अगेन दोस्तों ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो था, दोनों जो हमारे इस पे सेलर्स हैं वो फीमेल्स हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है, घर जैसा माहौल होता है, और इनकी जो वे ऑफ डीलिंग है, वे ऑफ लाइक वे ऑफ सेलिंग है, बात करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, रिप्लाई प्रॉपर मिलता है और प्रॉपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती हैं। और अगेन दिस इज नॉट अ फेक पेज, जो हम अक्सर सोचते हैं कि हम शॉपिंग कर लें कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं फेक पेज तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ जेन्युइन है। आप मैं काफी टाइम से यहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, तो आप चाहें तो आप भी यहाँ से इसके पेज को इनके पेज को आप विजिट करिए, लाइव्स को देखिए, रात को लाइव आते हैं जनरली 8 के बाद, उनके लाइव्स को देखिए, फॉलो करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज भी करिए मेरी तरह। तो यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको मेरी कलेक्शन और वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।